श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावगतो सहनाभुनक्तो सहवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तुमा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे स आत्मा सर्वांतर दृष्टे बुद्धिवृत्ति लक्षणाया दृष्टा प्राणादि व्यापार उपलक्षितः स एव अशनायादि प्राण अंतकरण शरीर धर्म अधीतः साक्षात् अवरोक्षात् ब्रह्म इति द्वितीय वाक्यार्थः। तो ये जो दूसरा वाक्य का तात्पर्य क्या है, वो बुद्धिवृत्ति लक्षणा जो हम लोग देखे थे, वो ज्ञान शक्ति और प्राणादि व्यापार जो क्रिया शक्ति है उससे उपलक्षित, जिसका कोई संबंध ही नहीं है ये प्राण शक्ति या क्रिया शक्ति या जो है वो शरीर जिसमें वो सब रहता है उससे कोई संबंध नहीं है, वैसा वाला ये सब धर्म अतीत जो वो ब्रह्म क्या है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म के लिए। अपरोक्षात ब्रह्म सिर्फ नहीं, साक्षात अपरोक्षम अपि, मतलब हर समय आपको जो है ये अपरोक्ष रूप में ही रहता है, देखने के लिए हम लोग जो है वहाँ पर नहीं है, बस उतना ही है। नेति नेति तो आगे जाके बता रहे, नेति नेति इत्यादि वाक्यानां सकल दृश्य प्रविलापनेन अद्वितीय आत्मतत्व उपलक्षण परत्वम् अद्रष्टुः अदृष्टं द्रष्टुः इत्यादिना नान्यतो अस्ति द्रष्टृ इत्यादि वाक्यैः सह सर्वसाक्षी प्रत्यगात्म एव अक्षरं यस्मिन् अव्याकृत आकाशादि धारित्यन्ते अन्तं जगत् ओतं च प्रोतं च उपलक्षितं तत्त्वमित्यर्थः। तो अभी जो है इसका प्रारंभ में स्वामी जी जो है एक बहुत बड़ा महावाक्य बताई थी, जो कहना है वो कहता नहीं है और जो चुप रहना है वो चुप रहता नहीं, आगे अभी तात्पर्य है वो उसका। तो यहाँ पर जो है ये ब्रह्मा वो ही देखना है, वो देखता नहीं है, कुछ नहीं करता है, और हम लोग जो है चुप रहना है, हम लोग चुप नहीं रहते हैं। हाँ, नेति नेति यहाँ पर इसलिए जो है यहाँ पर बात प्रारंभ करते हैं नेति नेति से, बहुत बहुत विस्तार से जो है वहाँ पर याज्ञवल्क्य गार्गी का जो संवाद करते हैं वहाँ पर, वो आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रेम भवति इत्यादि चला के वहाँ ये प्रारंभ करते हैं नेति नेति ही करके। तो ये अदृष्टं द्रष्टृ इत्यादिना नान्यतो अस्ति द्रष्टृ इत्यादि वाक्यैः सह अक्षर विद्या का जो है यहाँ पर उपदेश करते वक्त जो है ये जो ब्रह्म को देखने का जो है कोई प्रवृत्ति, दूसरा कोई भी जो है प्रवृत्ति से इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और सबको देखने वाला क्या है, कौन है, यही ब्रह्म है, उसको कह के नान्यतो अस्ति दृष्टा, ये जो है इसको छोड़ के दृष्टा दूसरा कोई भी नहीं है, ये स्पष्ट करके वहाँ पर इत्यादि वाक्य ही वहाँ पर सह सर्व साक्षी प्रत्यगात्मा इव नान्यतो अस्ति दृष्टृ कह के और अदृष्टम दृष्टृ, इसका दृष्टा को कोई देखा नहीं है और वही जो है सबको देखने वाला है, इससे देख अन्य भिन्न कोई देखने वाला नहीं है, सब जो प्रवृत्ति हो रहा है इंद्रियों के द्वारा उसका सब पीछे यही है, इस रूप में जो है सर्व साक्षी, ये सबका साक्षी क्या है, साक्षी वहाँ पर साक्षी का तात्पर्य वहाँ बैठ के देखता है बात नहीं, वहाँ रहता है बस उतना ही है, साक्षी का जो है सामान्य अर्थ साक्षी को देखने वाला है साक्षी, यही जो है हम लोग लेके रखे हैं। यहाँ पर वैसा नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर नहीं वेदांत में कहीं पर भी वो लेना नहीं चाहिए, साक्षी मतलब क्या है, चुप बैठा है, तो चुप बैठा है यहाँ पर जो चुप है कुछ काम नहीं करता है, लाइट है और कुछ नहीं है, वो ऐसा ही रहता है, उसका काम जो है रहना है प्रकाश। तो वैसा ये जो है ये जो अस्थि और भांति जो स्वरूप है उसका सत्ता स्फुरण रूप, उसमें उस स्वरूप में जो रहता है बस उतना ही है, किसी के साथ संबंध नहीं रखता है,
तो वैसा ये जो साक्षी है वो सबका साक्षी मतलब किसी के साथ संबंध नहीं रखता हुआ जो रहता है सिर्फ, वो जो साक्षी है प्रत्येगात्मा ही है। और वो प्रत्येगात्मा क्या है? अक्षरम। साक्षी प्रत्येगात्मा एव अक्षरम। तो वो साक्षी प्रत्येगात्मा ही क्या है? अक्षर ब्रह्म। यस्मिन, अभी नया एक शब्द भी जोड़ रहे हैं, सत आत्मा ब्रह्म इत्यादि शब्द के आगे एक और अक्षरम शब्द जोड़ रहे हैं हम लोग। अक्षरम यस्मिन, जिस अक्षर में क्या है? अव्याकृत से लेके आकाश, अव्याकृत आकाश से लेके धरती, ये जो ये सबको जो धारण करने वाला ये पृथ्वी सब तक जो है उसमें ओतम प्रोतम। ओतम प्रोतम मतलब उसमें जो है वो हिंदी में भी ओत प्रोत ही कहते हैं, तो ओत प्रोत हो रखा है उसमें जो है वो घुल मिल के रह रहा है, वही शब्द है। तो चेति उपलक्षितम, क्या उसमें क्या बताया जा रहा है वहाँ पर? तत्त्वम उपलक्षितम, तत्त्वम उपलक्षितम। यहाँ पर तत्त्वम उपलक्षितम मतलब यहाँ पर आगे जो है ये अगला उपद विज्ञानम आनंदम ब्रह्म का जो अंतिम पद जो है, देखिए विज्ञानम आनंदम मतलब तो उसमें जो है पृष्ठस्य जगत मूल कारणत्वेन उपलक्षितस्य चार पंक्ति नीचे जो है स्वरूपम विज्ञानानंद लक्षणम इति, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म के बाद विज्ञानानंद लक्षणम इति तत्पदार्थ तत्पदार्थत्वम तत्पदार्थत्वम उपलक्षितम तत्पदार्थत्वम उपलक्षितम। तो हाँ तत्पदार्थ तत्व उपलक्षितम, तो यहाँ तत्पदार्थ तत्व उपलक्षितम, यहाँ पर क्या है? तत्व उपलक्षितम, तत्पदार्थ उपलक्षितम, स्पष्ट कह रहे हैं तत्पदार्थ तत्व उपलक्षितम कह के। तो इसलिए यहाँ पर तत्व उपलक्षितम मतलब तत् और त्वम उपलक्षितम ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। तत् और त्वम का उपलक्ष्य किया कर रहा है मतलब तत्व यही है, तत्व और त्वम का जो संबंध रखा ही तत्व है। तो इसलिए क्या है? तत्त्वम, वो जो परमात्मा जो ब्रह्म है अक्षर है उसको, क्योंकि प्रश्न ही उसी के बारे में था और उसी को जो उसका जो स्वरूप है उसको बताना है, उसका लक्षण क्या है उसको बताना है बोल के प्रारंभ कर रहे हैं। वो लक्षण उपलक्षितम, यहाँ पर तत्व उपलक्षित मतलब ब्रह्मणो लक्षणम उपलक्षितम, ये जो है तात्पर्य है वहाँ पर। ब्रह्म का लक्षण जो है उनको बताया है ऐसा इस मंत्र से, ठीक है। अक्षर विद्या को जो बताए थे बस उतने। आगे विद्या विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये वाक्य से क्या कह रहे हैं? को नो एवं जनये पुनः मर्त्यस्विन् मृत्युना वृक्नः कस्मात् मूलात् प्ररोहति इति पृष्टस्य। तो वहाँ पर बड़ा सा विचार है, याज्ञवल्क्य को जो है सब लोग, याज्ञवल्क्य को धन चाहिए और जो है उन उत्तर देने के लिए तैयार आके खड़े हो गए हैं, और जो भी आ रहे जा रहे हैं सब जो है प्रश्न तो पूछ रहे हैं, मगर प्रश्न के पूछने के पहले जो है बताओगे नहीं तो तेरा सिर फट जाएगा, मूर्धाते व्यपदिष्यति, यही जो है प्रांत थे। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछ रही है तो पूछते वक्त इससे क्या है, पूछने वाली जो है गार्गी ही है, तो इससे क्या है, इससे क्या है करके जो एक एक प्रश्न पूछते वक्त वहाँ पर आधारभूत एक एक आधारभूत बात करके जो है वहाँ पर कह रहे कोनु एवं जनयेत पुनः, मतलब इसका प्रश्न का तात्पर्य क्या है? मर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्नः कस्मात् मूलात् प्ररोहति, वही जो है कोनु मूल जनयेत पुनः उसका जो है विचार है, मतलब वहाँ पर क्या आ रहा है। चलो ठीक है, तुम जो है एक पेड़ को काट दिया तो वो पेड़ जो है वापस आ जाता है, पेड़ को काट दिया तो पेड़ तो मरता नहीं है वो वापस आ जाता है, क्यों? उसमें जो है बीज है, ठीक है। तो पेड़ को उखाड़ दिया तो कुछ नहीं हो सकता है, वैसा इसको जो है काट दिया तो ये जो पुरुष है ये जो जीव है इसको तुम काट दिया तो मार दिया तो ये कहाँ से उत्पन्न होगा, कैसा उत्पन्न होगा? तो यही प्रश्न है वहाँ पर। मर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्नः, जब मार दिया गया है उसको तब मृत्यु से स्वीकार मृत्यु से जो है ये जो ग्रस्त हो गया तब कस्मात् मूलात्, किस मूल से किस आधार से किस बीज से जो है प्रारंभ होगा, वृक्ष को तो बता दिए
मतलब ये किसके मूल से कहाँ से जो है प्रारण होगा, ये बात कह के इति पृष्ठस्य, ये प्रश्न जब हुआ था तब कहते हैं जगत मूल कारणत्वेन उपलक्षितम स्वरूपम, इस सब का जो है सृष्टि स्थिति आधार रूप में जो ब्रह्म है उसी को क्या कह रहे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म करके जो है उस ब्रह्म का लक्षण विज्ञान आनंद स्वरूप। तो उस विज्ञान आनंद लक्षण जो स्वरूप है तत्पदार्थ तत्वम उसको जो है यहाँ पर समझा रहे लक्षितम इत्यर्थ है। ठीक है आगे एवं ब्रह्मविदाप्नोति परमिति प्रकृतस्य ब्रह्मण है, तो ब्रह्मविदाप्नोति परम करके जो है प्रारंभ कर रहे हैं ब्रह्म के बारे में। तत्सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मेति स्वरूप निर्दिश्य तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूत इत्यादिना जगत कारणत्वेन उपलक्ष्य तस्यैव सृष्टेषु कार्यकरणेषु कार्यकरण संघातेषु प्रवेशं दर्शयित्वा अदृश्येण आत्मेन निरुक्ते इत्यादिना प्रपंच अपवादेन सर्वाधारं सर्वसाक्षिनम् आत्मानम् आनंदरूपं ब्रह्मपुच्छं प्रदिष्ठयति अथसो वयं गतो भवति इति यश्चायं स यश्चायं पुरुषे यश्चासो आदित्य स एक इति च तत्त्वम् उपलक्ष्येत् इत्यर्थः। आगे जो है उपलक्षितम् तत्त्वम् इत्यर्थः, उपलक्षितम् तत्त्वम् इत्यर्थः करके जो है बता के अभी जो उपलक्ष्येत् कह रहे हैं आगे बाकी में सब जो है सामान्य रूप से बताए यहाँ पर जो है पूरा विचार कर रहे हैं। तो इसमें क्या तात्पर्य है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जो समझ लिया है वो परम, वो ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। आप रूप आपने वहाँ पर जो है धातु प्रयोग कर रखे है वहाँ पर ही भगवान भाष्यकार बहुत बढ़िया से चिंतन करते हैं बताते हैं ये आप यहाँ प्रापणे गत्यर्थक धातु जो है सामान्य रूप में तीनों अर्थ में हो जाते हैं ज्ञान गति प्राप्ति, वैसा ये प्राप्ति भी ज्ञान अर्थ ही है यहाँ पर गति नहीं है। ब्रह्मविद जानाति परम इस अर्थ में, और कल जैसा बताया था मैंने जानना और करना यहाँ पर अनुभव करना ये दो दो विषय नहीं है वेदांत का दृष्टिकोण में। अप्रोक्षात मतलब जानाति इति अर्थ है, तो यहाँ पर अनुभव ही ज्ञान है ज्ञान ही अनुभव है। तो ब्रह्मविद जानता है किसको परम को जानता है, जानता ही जो है प्राप्ति भी है अनुभव भी करता है इति प्रकृतस्य। तो वहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य से जो कहता है ब्रह्मविद ये क्यों पढ़ना है पहले वो समझ लेना चाहिए। यहाँ पर क्यों जो है पहला उपदेश किसको करना है ब्रह्म का स्वरूप के बारे में, ब्रह्म का स्वरूप के बारे में पढ़ के क्या करोगे उसमें तो रुचि उत्पन्न होगा, जिसका जो है विचार विवेक वैराग्य है उसमें रुचि उत्पन्न होगा। अच्छा वो चाहिए मुझे, तो उस रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त विद्या जो है श्रुति क्या कहते हैं प्रारंभ में ही एक एक प्रारंभ में ब्रह्म विद आपनोति परम करके जो है उसको कह देता है ये स्वरूप है वो परम को प्राप्त करेगा। अभी किसको जो है परम नहीं चाहिए तो इसलिए वो आगे जो है वहाँ से प्रवृत्त होता है कि प्रकृतस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म के बारे में ही जो है ब्रह्म क्या है तब विचार होते वक्त सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके ब्रह्म का लक्षण कहते हैं। वहाँ पर भी विचार किए हैं सत्य विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट अनंत विशिष्ट ब्रह्म है या सत्यम ज्ञानम अनंतम प्रत्येक जो है एक एक लक्षण है करके विचार किए थे। तो भगवान भाष्यकार पहले जो है ये तीनों को तीन प्रकार का लक्षण बताए हैं और इसको विशेषण रूप से स्वीकार करने से भी कोई दिक्कत नहीं बता दी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम तीनों क्या है ब्रह्म का लक्षण है, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म करके तीन तीन लक्षण है। तो इसको विशेषण रूप से स्वीकार करने से तब क्या हो जाएगा विशेषण, हम लोग क्यों इसको बताना है विशेष, हम लोग कैसा समझ में समझते हैं अभी तक विशेषण इतर व्यावृत्तक, दूसरे को दूसरी अन्य से जो भेद करने के लिए विशेषण प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए पूर्व पक्षी जो है बहुत कुटिल बुद्धि से पूछ रहा है ये विशेषण है कैसा है इसको लेंगे, तो यहां पर उसको विशेषण रूप से नहीं ले रहे ये पूरा लक्षण है अभी उसको पूछने का कुछ नहीं है। तो मगर भगवान भाष्यकार का जो है प्रयोग ही जो है छल प्रयोग बहुत ज्यादा भगवान भाष्यकार भी करते हैं, भगवान भाष्यकार भी कम का नहीं है,
कम समझना नहीं है। तो यदि आप उनसे खेलेंगे तो वो जो है आपसे डबल खेल खेलेंगे। तो उसका ये जो तैतरीय भाष्य का जो है ये विषय को आधार ही लेके जो है दिग्विजय में भगवान भाष्यकार और मंडन मिश्र का जो वार्तालाप है उसको बहुत बड़ा सुंदर से जो है घटाए है। कुतो मुंडी, कहाँ से आ गया मुंडी बोल के पूछ रहे हैं ये। आ गलात मुंडी, गले से जो है मुंडन सन्यासी, तो गले से मुंडन करते तो आ गलात मुंडी करे, वो पूछ रहे हैं कहाँ से तुम आए हो और ये बता रहे हैं आ गलात मुंडी। छल प्रयोग है, शंकफ पीतो वा बोल के ये पूछ रहे हैं। शंकफ पीतो वा, शंक मतलब शराब, शराब पिया हो क्या? तो वो बोल रहे हैं श्वेत है वा, वो तो सफेद ही है शंख, ये शराब के बारे में बोल रहे हैं और शंख के बारे में बोल रहे हैं, सब छप तो सेम है। तो तब माता बोल के जो है उनका माँ को गाली दे दी, तो सही होगा। रास्ता को पूछा कि हाँ क्या बताया, तो तुम्हारा माता ऐसा है बोल के गाली दे दी, तो सही बोला होगा। तुमने पूछा, तुम्हें उत्तर दिया तुम्हारा माता बोल के, तुम्हारा माता क्यों होगा, मेरा माता कौन ही है। मतलब प्रयोग देखिए, वहाँ पर उच्चाल प्रयोग जो है बहुत बढ़िया करते हैं। यहाँ पर भी जो है भगवान का जो सोच, चलो ठीक है ये भी ले लेंगे, विशेषण लेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ होगा क्या? बिल्कुल गड़बड़ होगा, क्योंकि दूसरा है तो ही आप विशेषण ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म को छोड़ के दूसरा नहीं है बता रहे हैं, तब विशेषण कहाँ से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एक तर्क देते हैं, क्या है, जो अभाव रूप है उसमें विशेषण नहीं देने से या देने से कोई फर्क नहीं है। मतलब यहाँ पर घट है, ये पेन है, पेन का जो है रंग में बता दिया काला या सफेद या लाल, पेन ये मेरा हाथ में ठोस पेन है इसको बता रहा हूँ मैं, क्या है ये लाल पेन है आपको, मैं काला पेन है बताया था, काला पेन है बताया था, ये लाल है, ये काला कहाँ पर है, ठीक है आपको समझ में आ गया ये काला नहीं है, मैं गलत बोला, आप ही सही हैं, ये लाल पेन है। अभी इस हाथ में जो पेन पकड़ा हूँ ये काला पेन है, अभी बताओ आप, ये काला पेन है, ये हाथ में जो मैं काला बताया था आप लोग बता दिए लाल है, अभी इस हाथ में ही पकड़ा हूँ मैं ये काला पेन है, अभी बताओ, कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं काला बोलने से वो काला ही है क्योंकि ये मेरा सृष्टि है, ये इसमें अभाव रूप में विशेषण जो है कोई मायने नहीं रखता है। यहां पर मैं गलत बोला तो आप कह सकते हैं गलत है, ये पेन ठोस दिखाई दे रहा है इसलिए मैं काला कहूंगा तो ये जो है गलत प्रयोग है, मगर मेरा दूसरा हाथ में जो कुछ भी नहीं पकड़ा हूं, मगर मेरा दृष्टिकोण से मैं एक काला पेन सृष्टि कर रखा हूं, उस अभाव रूपी पेन में आप विशेषण कुछ जोड़ेंगे तो कोई भेद नहीं करने वाला है। तो इसलिए गुणोवा दोषोवा अनुमात्रेणापि न अनुसंबध्यते करके जो है स्पष्ट कर देते, जो भी यहाँ का गुण है यहाँ का दोष है उसमें से कुछ भी उसमें नहीं लगता है, तो विशेषण लोगे तो भी कोई दोष नहीं है यहाँ पर करके जो है उसको भी निकाल देते, निवारण कर देते, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह देते इत्यादि। तो ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म क्या है, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये कह के आनंद स्वरूप है, अनंतम कह के अनंतम का जो आनंदम इत्यर्थ करके भगवान भाष्यकार लिख देते हैं। अनंतम को आनंदम कैसा लिख सकते हैं, यो वही भूमा तद वही सुखम आप ही तो देखे है पहले, तो भूमा होने के कारण, व्याप्त होने के कारण, अनंत होने के कारण, अपरिच्छिन्न होने के कारण वो आनंद स्वरूप ही होना चाहिए, इसलिए आनंद ही अनंत दोनों में कोई भेद नहीं है कह के उसका स्वरूप को बता दिया है। ये जो है सत्यम ज्ञानम आनंदम, सत्यम ज्ञानम सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद को कहने के बाद इत्यादि ना, तो कह के जो नहीं निर्दिश्य उसके बाद तस्मात वा ये तस्मात आत्मन आकाश संभूत है, तब ये जो ब्रह्म जो अद्वितीय ब्रह्म ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो तस्माद वा ये तस्मात आत्मन आकाश संभूत करके जो है वहां पर सृष्टि का विषय विचार कर रहे, उस आत्मा से जो है ये सृष्टि हुआ है, आत्मा से कहां से सृष्टि हो सकता है प्रश्न तो पूछेंगे आप,
आत्मा जो है निष्क्रिय है, निर्विशेष है। निष्क्रिय निर्विशेष आत्मा से सृष्टि कैसा हुआ है? पहला उत्तर सिद्धांति का उत्तर, पहला उत्तर क्या है सिद्धांति का उत्तर? निर्विशेष है उसमें सृष्टि नहीं हो सकता है, निष्क्रिय है उसमें सृष्टि नहीं हो सकता, इसलिए कह रहे हैं हम लोग सृष्टि नहीं हुआ है। इसलिए क्या कह रहे हैं? सृष्टि नहीं हुआ है। जो नहीं हो सकता है उसको हम लोग कह रहे हैं, मतलब उसमें कोई तात्पर्य नहीं हम लोग को। तो इसलिए आत्मन है आकाश संभूत है ये कहानी है। क्यों कहानी है? आत्मा से कुछ भी नहीं हो सकता है। आत्मा यदि आत्मा परिवर्तन इत्यादि प्राप्त कर सकता है, सृष्टि इत्यादि कर सकता है, मतलब क्रियायुक्त है, परिच्छिन्न है, वो जो है परिवर्तन हो परिणाम होने वाला है, परिच्छिन्न है। मतलब आप जिस प्रकार से जो भी विषय से जो भी जो है विशेषण से उसको जोड़ेंगे तब आत्मा क्या है परिच्छिन्न प्राप्त हो जाएगा। परिच्छिन्न मतलब अनित्य। तो आत्मा को अनित्य जो है स्वीकार करना कोई भी सिद्धांतियों के लिए जो है वेदांति नहीं है, कोई भी सिद्धांति के लिए जो है स्वीकृत नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये जो कह रहे हैं क्या है, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है इत्यादि, ये जो कहानी है ये केवल कहानी मात्र है। नहीं 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 नहीं, आप जो है सृष्टि के बारे में श्रुति बता रहे हैं, तब जो है हम लोगों को कहना पड़ेगा आत्मा और आकाश के बीच में जो है एक माया, एक अविद्या, उसको जो है स्वीकार करना पड़ेगा आपको, नहीं तो सृष्टि जो है सिद्ध नहीं होता है। करके उसके बाद जो है सृष्टि का भी व्याख्या यहां पर प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आत्मना आकाश संभूत है तो इत्यादि, वहां से जो है जगत सृष्टि किए है, जगत कारणत्वेन उपलक्षण, तो जगत कारण रूप से आत्मा से ये जो है आकाश आदि उत्पन्न हुआ, मतलब ये जो आकाश आदि का कारण क्या है, आत्मा है। तो इस रूप में जो है उसको बता के तस्य एव उसी आत्मा को सृष्टेषु कार्यकारण संघातेषु, सृष्टि जो हुआ है कार्यकारण संघात, कार्य कारण संघात लिखा है, कार्यकारण संघात होना चाहिए, कार्यकरण संघातेषु, ये जो है कार्यकरण संघात सृष्टि में जो भी देखा जा रहा है वो सब क्या, कार्यकारण संघात मतलब कार्यकारण जो साधन साध्य जो हम लोग देखे थे उस दृष्टिकोण में हो सकता है, मगर यहाँ पर जो है सृष्टि में कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात मतलब शरीर इंद्रिय संघात, शरीर इंद्रिय संघात को ही सामान्य जो है भगवान भाष्यकार कार्यकरण संघात शब्द से प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या है प्रवेशम दर्शयित्वा, क्योंकि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत, करके जो है भगवान श्रुति जो है स्पष्ट कह रही है, सृष्टि करके सृष्टि में कौन जो है प्रवेश किया, दूसरा कोई नहीं है, स्वयं प्रवेश किया है सत्ता स्फुरण रूप देखे, तो इसलिए प्रवेशम दर्शयित्वा। उसके बाद वही श्रुति क्या कह रही है, अदृश्यनात्मे नृत्ते इत्यादिना प्रपंच अपवादेना, तो वो जो ब्रह्म क्या है अभयम प्रतिष्ठा विन्तते करके जो है अथसो अभयम गतो भवति, अंतिम में जो है उसका पूर्ण कर रही है। तो ये जो ब्रह्म क्या है अदृश्य, वो जो है दृश्य नहीं है, अनात्मे आत्मा रहित है, अनिरुक्ते उक्ति से जो है क्या है आत्मा रहित है, आत्मा के बारे में कह रहे हैं आत्मा रहित है, आत्मा रहित हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, कैसा हो सकता है आत्मा रहित, आत्मा रहित कैसा हो सकता है, आत्मा मतलब तब क्या है वो समझना है। तो बहुत बार कहा हूं आत्मा मतलब कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आत्मा ही नहीं है, अनात्मे यहां पर आत्मा रहित, आत्मा रहित मतलब क्या है, यहां शरीर इंद्रिय या अन्य जो भी है। आत्मा का तात्पर्य क्या हो सकता है, ब्रह्म से लेके स्तंभ पर्यंत जो बताए थे वैसा, ब्रह्म से लेके स्तंभ पर्यंत जूता सब जो है आत्मा ही है। मेरा आत्मा कहाँ गया, मेरा आत्मा को ठोस पहुंचा, मेरा आत्मा कट गया मतलब जूता कट गया, तो ये बात। तो इसलिए हम जिससे जो संबंध करके मम आत्मा देवदत्त इत्यादि प्रयोग भी हम लोग देखे थे, है ना, तो उस दृष्टिकोण से जो है ये आत्मा, आत्मा रहित मतलब
कोई भी संबंध रहित, शरीर मात्र मत लीजिए, कोई भी संबंध रहित, कोई भी जो है स्वरूप स्थूल संबंध रहित, स्थूल या सूक्ष्म जो भी संबंध रहित, तो उस स्वरूप में आत्मे अनात्मे अनिरुक्ते, ये जो है वाक का विषय ही नहीं, अथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वो सब जो है यहाँ पर उसी लिए बताए थे इत्यादि ना। तो इतना शब्द अदृश्येनात्मे निरुक्ते अनिलयने अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा अनिलयने निलयन नहीं है, जिसका आधार नहीं है, जिसका आधार नहीं है, मतलब बार बार क्या पढ़ के आ रहे हैं, ब्रह्म ही क्या है, अधिष्ठान है, ब्रह्म ही आधार है, ये सब जो है हम लोग बार बार कह के ये क्या कर दिए है, अनाधारित करके, आधार रहित, अनिलयने अनिलयने आधार रहित कर दिए, मतलब ये सबका निलयन हो सकता है, मगर इसका कोई निलय नहीं है, ये सबका आधार भले हो जावे, फिर वो जो है एक प्रयोग है, मतलब उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, भले जो है स्वीकार कर लो इसको सबका आधार बोल के, मत इसका आयतन इसका आधार कुछ दूसरा है ही नहीं है, दूसरा होने से ही जो है आधार का ढूंढ सकते हैं, तब प्रश्न होगा उसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, वो सब जो है झंझट हो जाएगा, तो एक ही हम लोग मान रहे हैं, इसलिए क्या है वो अदृश्य, मतलब दृश्य स्वरूप नहीं है, ठोस स्वरूप नहीं है, यो जो है ठोस स्वरूप नहीं होने के कारण आत्मा के साथ संबंध नहीं है, और ठोस स्वरूप के साथ संबंध नहीं है, ठोस स्वरूप के साथ संबंध नहीं होने के कारण नाम रूप होने से नाम होना चाहिए, उसको जो है नाम से ग्रहण नहीं कर सकते है, इससे क्या है उसका कोई आधार नहीं है, ये सब जो है ही नहीं है, ये किसके किसके किसमें जो है स्थित हो सकता है, ये करके इत्यादि ना। यहां पर ये बाकियों को इतना विचार नहीं किया तो भी ये जो तैत्तरीय उपनिषद को जो इतना विचार करने का जरूरत है, एक तत्त्वम लक्षितम हो दिया, यहां पर क्या है तत्त्व उपलक्ष्य ये इत्यर्थ तो कहे है, मगर इतना विचार यहां पर कर रहे क्यों, यहां पर पूरा विषय आ गया है, बाकी सब में जो है इतना विषय नहीं आया, अदृश्य अदृष्ट हो अदृश्यम दृष्ट हो या इत्यादि सामान्य जो है बता रहे हैं, मतलब उसमें जो है दृश्य तो नहीं है इत्यादि, बस यहाँ पर क्या है सृष्टि का कारण रूप में, सृष्टि का प्रवेष्टा रूप में, और सृष्टि का जो विलयन का आधार रूप में, सब सृष्टि स्थिति लय का दो तीनों का जो है बताती है, ये जो है एक प्रक्रिया है, सृष्टि स्थिति लय का जो है दिखाने का एक प्रक्रिया है, दूसरा मुख्य प्रक्रिया है, बाकी जगह पे जो है ये दिखाई नहीं देता है, मगर यहाँ पर अध्यारोप भी हो रहा है अपवाद भी हो रहा है, वहाँ अदृष्टम दृष्टु मतलब वहाँ पर अपवाद मात्र हो रहा है, अध्यारोप कोई कर रखे है उसको अपवाद मात्र कर रहे हैं, यहाँ पर अध्यारोप भी हो रहा है साथ साथ अपवाद भी हो रहा है, वहाँ पर आत्मा आकाश संभूत है तद सृष्टवा तदैवानुप्राविशत तक जो है अध्यारोप है, अभी यहाँ पर अदृश्य अनात्म अनुरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा ये सब जो है अपवाद है, तो अपवाद ये प्रत्यक्ष प्रपंच अपवाद ये इस प्रपंच का अपवाद का रूप में कर दिए, क्या है सर्वाधारम सर्वसाक्षिणम आत्मानम आनंद रूपम, तो इस सबका आधार सर्व आधारम, इस सबका आधार ये जहां पर कल्पना रहित अपवाद कर दिया है, कल्पना रहित स्थित है, तो इस सबका आधार क्या है वह सर्व साक्षिणम, पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए जो है साक्षी मतलब क्या है समझाया दोबारा, साक्षी मतलब वो कुछ नहीं करता है, वहाँ रहता है, रह के देखता बिकता नहीं है, वो रहता है बस, वहाँ पर वो है बोल के भी किसी को कुछ प्रवृत्ति भी नहीं है, मगर क्या है भी भय है कुछ कहता या नहीं कहता, कुछ डरता वो मतलब करता या नहीं करता उससे कोई बात नहीं है, मगर उसका सत्ता ही वहाँ पर भयप्रद है, भीषास्मात्वात् पवते इत्यादि जो है हम लोग देखे थे, तो इत्यादि ना प्रपंच अपवादेन सर्व आधारम सर्व साक्षिणम, ये सर्व आधार और सर्व साक्षी क्या है आत्मानम, दूसरा कुछ नहीं है, तो मगर मैं आत्मा के बारे में तो पूछा नहीं, मैं आपको ब्रह्म के बारे में पूछा था, ब्रह्म का लक्षण आप बताने के लिए प्रवृत्त की है, आप आत्मा के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो पहले ही जबकि जो है पहले ही टीका में कहे हैं क्या है यही जो है सत्य यही जो है आत्मा यही जो ब्रह्म, फिर भी यहां पर दोबारा कह रहे आनंद रूपम
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति अथसो भयं गतो भवति इति स यश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्य स एक इति च। तो ये सबसे जो है एक ही विषय को ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा, ब्रह्म ही इसका पुच्छ है, आधार है, सर्वाधारम जो बताए पुच्छं, पुच्छं मतलब पूंछ, पूच्छ इव पुच्छ करके वहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं। वो पूंछ नहीं है, क्यों पुच्छ कहा है, क्योंकि पुच्छ रहने से ही आधार है, जैसा पक्षियों में देखा जाता है वैसा करके। तो इसके लिए उदाहरण भी दिया था, एक पक्षी का जो है वो ढांचा बनाते हैं, वो एक ऐसा ही जो है खेल है पक्षी, तो वो जो है पक्षी है मगर उसका जो है पैर कुछ नहीं है, तो उसका जो बीक है उसका नोक है उसमें क्या है, आप हाथ में ऐसा रख दिया तो वो गिरेगा नहीं आपके हाथ से, पैर नहीं है उसका, नाक से ही जो है उसमें लगा देंगे तो हो गया बस। वो उसका बैलेंस क्या है, उसका पूंछ और उसका जो है पंख, उससे जो है उसको इतना बढ़िया से जो है पूरा वो एक कोने में जो है वो रुकने का मतलब वो पूरा जो है अवस्था को, और वो ऐसा नहीं है टेढ़ा भी नहीं है सीधा है, वो मतलब एक छोटा सा जो है हिस्सा से संबंध जो रखा है, पूरा बड़ा पक्षी का आकार जो है उसको वो धारण कर सकता है। तो वैसा वो पुच्छ है, पुच्छ वहाँ पर वह है, यहाँ पर आधारभूत पुच्छ बताए है वो पुच्छ वहाँ पर, क्योंकि उसके आधार से ही जो है वो खड़ा है, तो जिसको आधार रूप में ले रहे हैं वह पुच्छ उसको लिए, उसके लिए बताया था मैंने, ठीक है। तो हम लोग भी जो है खेलते हैं ऐसा जो है बचपन में, पुस्तक को इत्यादि मतलब लकड़ी को इत्यादि ऐसा ऐसा पकड़ के जो है खेलते थे, तो वो सब जो है वहाँ पर कुछ ही है वो सब, तो आधार रूप में उसको बताए है, ठीक है। इति अथ सो भयम, तब जब ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छ वही है और उसमें प्रतिष्ठा जब प्राप्त कर लेते हैं उसको समझ लेते हैं, यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्य करके वहाँ पर आगे कहते हैं, तो यश्चायं पुरुषे वो जो पुरुष है, यश्चायं पुरुषे यश्चायं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये, वो जो आदित्य में जो पुरुष है और यहाँ पर जो पुरुष है स एक है, वो एक ही पुरुष है, वो एक ही पुरुष मतलब ठीक है एक ही पुरुष है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी वो भी ठीक है, आत्मा और ब्रह्म ये एक ही है ठीक है, ब्रह्म ही सबका आधार है वो भी ठीक है, इससे क्या प्राप्त हो सकता है। तो अतसो भयम गतो भवति, तब जो है अभय प्राप्त हो जाता है, अभयम विन्दसि, तो वो जो है अभय को प्राप्त कर देता है, भय राहित्य, क्योंकि द्वितीयावय भयम भवति, यहाँ पर एक हो गया, एक ही है बोल के उसको ज्ञान हो गया, दूसरा नहीं है, भय निकल जाता है, तो भयम अतसो भयम गतो भवति, तो अभय हो प्राप्त होने के कारण जो है क्या है, ब्रह्मविद आपनोति परम, फिर वापस ओ ब्रह्म क्या है, ब्रह्मविद ओ परमात्मा स्वरूप ही बन जाता है, हो जाता है, रहता है। इति तत्त्वम् उपलक्षयेद् इत्यर्थः, यहाँ पर ये तत्व को इस दृष्टि से मतलब सृष्टि स्थिति और लय का जो आधारभूत और जो है सृष्टि किया हुआ जो भी विषय है उसमें सब प्रवेश रूप और उसका संहार रूप ये सब वही है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है वो कुछ भी नहीं है, इसको कहने के लिए आगे भी लेके आ रहे हैं, इसलिए ये बात जो है कहना पड़ रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है। इति तत्त्वम् उपलक्ष्य, यही जो है विषय है, मतलब ये इस इतना जो उप यहाँ तात्पर्य क्या है, इतना उपदेश दे रही है, लक्षणम उपलक्ष्य, वहाँ पर उनका जो ब्रह्म का लक्षण को जो है आप दिखाना है बोल के बता दिए, ये वाक्यों को पढ़ने से मात्र जो है आपको ब्रह्म का लक्षण बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो ब्रह्म का लक्षण प्राप्त होने के लिए जो है समझने के लिए उस वाक्य का जो तात्पर्य है उसको समझना है, तब क्या हो गया, हर एक उपनिषद का उस विषय का जो विचार हम लोगों को यहाँ पर लेके आके रखना पड़ेगा, हर एक उपनिषद को जो लेके आके रखेंगे तो तब जो है विस्तार, फिर भी वही विस्तार तब क्या है, इसलिए यहाँ पर अन्यत्र कहीं पर भी जो है उपलक्ष्य ये ऐसा जो है आप पढ़ाओ ऐसा समझाओ बोल के बताए नहीं है, ये तत्व है,
ये तत्व है, ये तत्व है, ये तत्पदार्थ का तत्व है, इतना मात्र जो है कह के यहाँ पर एक उपनिषद को ले लिए है जिसका आधार हो तो नींव रूप में बना के, मतलब बाकी सब ऐसा ही है, बाकी सब ऐसा है कैसा है, तो वो जो है पूर्व में आपको जो है पूर्व टीका में जो अंतिम में क्या बताए थे, गति सामान्यादिति न्यायेन अविरोधता है करके जो है गति सामान्य न्याय को लेके आए थे। तो इसलिए एक को समझ लिया तो, एक उपनिषद का जो है प्रक्रिया को समझ लिया तो बाकी सब वैसा ही है। उसको समझाने के लिए क्या है, अन्यत्र कहीं पर उपलक्षेद बताया नहीं है, ये एकमात्र स्थान में, क्योंकि यहाँ पर सब जो वेदांत का प्रवृत्ति है, जैसा वेदांत का जो है वेदांत पढ़ाया जाता है वो प्रक्रिया यहाँ पर आ जाता है, इसलिए इसको लिए हैं उपलक्षेद करके। बाकी कहीं पर भी जो है आपको सृष्टि स्तुति लय का विचार हो ही नहीं रहा है, बाकी कोई भी उपनिषद यहाँ पर जो भी ले रहे हैं लक्षणा तो है ही है, मगर वहाँ पर आपका जो अवांतर वाक्य का जो विचार बिल्कुल नहीं है, सीधा सीधा जो है महावाक्य का तात्पर्य, महावाक्य का एक पक्ष का जो तात्पर्य वय होवे, मगर महावाक्य का तात्पर्य वहाँ पर सब जो है प्रवृत्त है। तो इसलिए तैत्तिर उपनिषद को लेके ब्रह्मविद आपनोति परम से लेके अथसो भयं गतो भवति तक उनको जो ब्रह्मज्ञान प्राप्ति करवाने तक टेका लेके वहां पर जो है उस विषय को बता दिए। स एक इति तत्त्वम् उपलक्ष्य इत्यर्थः करके ये तत्व को जो है उपलक्षण कर, क्योंकि आप वहां देखिए तत्त्वम् इत्यर्थः लक्षितम् इत्यर्थः, आगे जो है तत्त्वम् उपलक्षितम् इत्यर्थः, आगे जो है उपलक्षितम् इत्यर्थः, यही जो है सब जगह पे उपलक्षित उपलक्षण उपलक्षण बार बार वही आएगा, बाकी कहीं पर भी प्रवृत्त नहीं है। तो एक विषय को समझाना है तो कम से कम एक को पकड़ लो, क्योंकि वाक्य को समझ लिया तो बड़ा है, और पहले ही जो है वेदों को सुना है इसलिए समझ में आ जाएगा, ये तात्पर्य लगा सकते हैं, मगर एक विषय को कम से कम जो है वेदांत प्रक्रिया के आधार पर समझाना है। वेदांत प्रक्रिया क्या है, दो ही है, सृष्टि का स्वरूप कुछ नहीं है, सृष्टि कुछ नहीं है, ठीक है, ये एक है। दूसरा क्या है, वहां पर अध्यारोप अपवाद, ये जो अध्यारोपवाद सृष्टि का प्रक्रिया कुछ नहीं है, ये जिसको समझ में नहीं आता है तब उसको समझाने के लिए हाँ हाँ सृष्टि है वो अध्यारोप है, हाँ हाँ नहीं है वो अपवाद, मतलब करके निकालना। पहले ही जिसको जो है आत्मा से, अरे आत्मा से कहाँ से हो सकता है, उसका प्रश्न वहां ही हो गया तो हो गया निवृत्त, आगे आगे कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ गया मैं कहानी बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ बोल के, तो पकड़ लिया ना, चलो अभी बताओ बोल के उसको समझा सकते सीधा सीधा। जब उसको जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको जो है ये जो सृष्टि में तादात्म्य है और अभिमान है, तब उनको बताना पड़ेगा हाँ हाँ ये सृष्टि हुआ है आत्मा से, आत्मा से कैसा हो सकता है, बीच में जो है एक माया को लेके आके ये सृष्टि सबको रचाया है, उसके बाद हम लोग क्या कर दिए हैं, ये ब्रह्म क्या है उसका कोई आधार नहीं है, वो किसी से संबंध नहीं रखता है, वो दृश्य विषय नहीं है, वो जो है निरुक्त नहीं हो सकता है, इत्यादि निराकरण रूप में जो है ब्रह्म को इस जो सृष्टि जबकि बताए हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत करके, वो सृष्टि करके उसमें वही प्रवेश किया है, प्रवेश कैसा है, प्रवेश मतलब जैसा सिर फाड़ के गया वो बात नहीं है, सत्ता स्फूर्ति प्रदत्व, सत्ता स्फूर्ति प्रदत्व मात्र यहाँ पर प्रवेश है, अन्य कोई प्रवेश नहीं है यहाँ पर। उसके लिए उदाहरण क्या दिए थे आयत्री में हम लोग देखते, उदाहरण क्या है, प्रवेश क्या है, जैसा आईना में मुख प्रवेश, आईना में मुख प्रवेश मतलब मेरा मुख वहां पर प्रतिबिंबित हो रहा है, मतलब मेरा मुख उसमें थोड़ी गया है तो दिखाई पड़ रहा है, वैसा यहाँ पर प्रतिबिंब मात्र है, उसमें कोई सत्य नहीं है, प्रतिबिंब मात्र है, ये भी क्या है, वो भी एक प्रकार का जो कल्पना ही है, इसलिए आभास मात्र, वो क्या है आभास मात्र, उसमें कहीं पर भी कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब स्वीकार करेंगे तो वहां पर आपको पहले जो है बिंब करने वाला एक आधार कल्पना करना पड़ेगा, मन माया अविद्या कुछ भी हो अंतकर्म में प्रतिबिंबित हो रहा है बोल के आपको बताना पड़ेगा, या माया में प्रतिबिंबित हो रहा है, अविद्या में प्रतिबिंबित हो रहा है, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो ये सब कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या है आभास है, प्रतिबिंब इव प्रतिबिंब है,
यही जो है भेद है बिंबक प्रतिबिंबवाद और आभासवाद, मतलब अविच्छिन्नवाद जो है आप लोग तो समझते हैं उसके साथ संबंध है, ये जो है ब्रह्म है वो जो अविद्या है संबंध है, तो संबंध पृथक कर दिया तो ये जो है कुछ नहीं है, यही मुख्य है बोल के आप संबंध पृथक करके समझ जाए तो वो हो गया बात। माया अवच्छिन्न चैतन्य, अवच्छिन्न संबंध ही है, माया अवच्छिन्न चैतन्य अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य जब कहेंगे ये संबंधी है, ये अविद्या को हटा दो आपको खाली जो है पिंगी जैसा मिलता है यहाँ पर वैसा जो है ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, वो अवच्छिन्नवाद जो है अब वो बात कर सकते हैं वहाँ वैसा जो है इसको समझा सकते हैं, मगर बिंब प्रतिबिंबवाद और आभासवाद जो है एकदम समान है। बिंब प्रतिबिंबवाद क्या है, आपका जो जलादि जो आधार पे जैसा सूर्य जो है प्रतिबिंबित होता है वैसा यहाँ पर भी ये जो जलादि आधार में अंतकरणादि आधार में जो है ईश्वर प्रतिबिंबित होते हैं, ये कहानी कहना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना। ये जो अवच्छिन्न अवच्छेद बाद में जो है ये माया है या अविद्या है, ये जो है ब्रह्म है, तो इसका संबंध ही क्या है, सृष्टि है, पूरा पिन है। तो हम जब विचार करते हैं ये जो माया इत्यादि का संबंध को हटा देते हैं, केवल जो है यही पिन है, ये पिन का कैप है, इसका ढक्कन है, ये पिन नहीं है, ये पिन है, ये रहित भी ढक्कन रहित भी इसको क्या कहेंगे, पिन ही कहेंगे, मेरा पिन कहाँ गया है, इसके साथ पिन नहीं है, ढक्कन रहित भी ये पेन है समझ लीजिए, वैसा आपका ढक्कन माया रूपी ढक्कन रहित भी जो है ब्रह्म ब्रह्म ही है, माया के साथ भी ब्रह्म ब्रह्म ही है, कभी भी ब्रह्म में जो है भेद नहीं आता है, ये समझाने के लिए आप जो है पृथक करना पड़ेगा अविद्या में, अविद्या से या माया से ब्रह्म को पृथक करके दिखाना, ये अवच्छिन्न अवच्छेदवाद है, ठीक है, ये अलग हो गया। अभी ये जो बिंब प्रतिबिंबवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद मतलब क्या है, सूरज जैसा जो है आपका ब्रह्म है, और ये जो अंतकरण या माया इत्यादि क्या है, यहां पर जो जल आधार है, तो जल आधार में जो विभिन्न जल आधार में जो है आपको सूरज का प्रतिबिंब हो रहा है, तो पहले जल को आधार को आपको कल्पना करना पड़ेगा, उसमें जल भरना पड़ेगा, उसके बाद उसमें प्रतिबिंब को जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। तो तात्पर्य क्या है, प्रतिबिंबवाद और आपका आभासवाद दोनों ही एक समान है, दोनों ही एक समान है, दोनों में ऐसे ही कहेंगे वहां पर प्रतिबिंब जो हो रहा है वो ईश्वर है या ब्रह्म है, जो आधार है वो जीव है। तो बिंब प्रतिबिंबवाद और जो है आभासवाद में क्या भेद है, हाँ भेद इतने मात्र है, क्या है, ये जो बिंब प्रतिबिंबवाद में वो जो आधार है जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है इसको सत्य रूप में माना है, ये है पहला इसका कल्पना किए है, ये है इसमें जो है प्रतिबिंबित हो रहा है इस रूप में जो है ये आधार को भी स्वीकार किए है, मगर आभासवाद में ये है ही नहीं है, ये भी कल्पना का एक विषय ही है, इसको सत्य रूप में स्वीकार नहीं किए है। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंबवाद में सत्य रूप में स्वीकार करते हैं, आभासवाद में सत्य रूप में स्वीकार नहीं करते, यही भेद है। बाकी दोनों बाकी विषय सब जो है वो ब्रह्म इसमें प्रतिबिंबित हुआ है वही प्रवेश है, वो सब ड्रामा एक ही है, वो सब कहानी समान है, मगर एक ही बात में ये दोनों में भेद है, क्या है, ये जो आधार है जिसमें ये जो अधिष्ठान है जिसमें जो है प्रतिबिंबित हो रहा है ब सत्य है बिंब प्रतिबिंब में और असत्य है आपका आभासवाद में, ये भेद है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, स एकः इति तत्त्वम् उपलक्ष्य, इस विषय को सब जो है एक जगह पे ले क्या के तैत्तिरीय उपनिषद का द्वारा जो है उसको समझा दिए, कोई भी उपनिषद यहां पर जितना वाक्य दिए हैं उसमें एक कोई भी उपनिषद ले सकते थे, मगर इस एक ही उपनिषद बाकी सब वाक्य को जब विचार किया ये एक भी जो है ये पूरा विषय को समझाएगा नहीं आपको,
तो आपको एक ही जगह पे जो है ये विशेषण हो सकता है या विशेषण नहीं हो सकता है, या ये जो है उपाधि है या उपाधि नहीं है, ये सब का मतलब लक्षण है या लक्षण नहीं है, ये सब का विचार आपको एक जगह पे हो रहा है तो ये तैतरीय वाक्य मात्र है, दूसरा कोई भी वाक्य नहीं है यहां पर। इसलिए इस वाक्य को जो है उपलक्षित करके जो उनको शिक्षित करना है ये तात्पर्य बता रहे हैं। इसको सिर्फ जो है पढ़ाने से काम नहीं है। तो पहले जो है एक विचार हो रहा था इस ग्रंथ को जो है देखते वक्त आनंद गिरी महाराज का जो है साथ में लेंगे। पहला ये उपदेश सहस्री बात होते हो गया, उपदेश सहस्री आनंद गिरी आचार्य का जो है ग्रंथ के साथ वैसा जो है बात होता। मैं बोला आनंद गिरी आचार्य नहीं है। तो यहां पर इतना जो विचार है आनंद गिरी आचार्य का जो है टीका देखिए, कॉपी पेस्ट समझते हैं ना, कॉपी पेस्ट वहां से ऐसा कॉपी किया यहां जो है चिपका दिया बस। ऊपर में जो मूल में बताया है उसी को नीचे जो है आनंद गिरी टीका में दिए है। ऊपर में जो भी बताया है उसी को मतलब इति नहीं है, यहां पर क्या बता रहे हैं उपदेश्य च ग्राह्ये ब्रह्मणो लक्षणम इति, यहां पर वैसे ही प्रारंभ कर रहे हैं, वैसा प्रारंभ नहीं किया है, इति नहीं किए है। यहां का जो भी वाक्य है उसको सब लेके आके टीका में दे दिए, आगे स्मृतिश्च करके प्रारंभ कर दिए वहां पर, वैसा वहां पर कोई विचार नहीं है। इसलिए एक विषय को समझने के लिए, क्योंकि इनको जो है प्रतिज्ञा चाहिए, प्रतिज्ञा इसको मात्र पढ़ो बाकी कुछ मत पढ़ो, इसको मात्र पढ़ो तब जो है इतना वाक्य को जो है पढ़ो। पहले आप जो प्रतिज्ञा में कहे थे क्या है, वाक्य अधिक या जो है न्याय अधिक के पीछे जो है नहीं जाने का है। ये ग्रंथ में जो है सब संकलन करके सिंपल से बता रहा हूँ, अधिक न्याय का भी प्रवृत्ति नहीं है, अधिक वाक्य को जाने का भी प्रवृत्ति नहीं है। तो इतना वाक्य क्यों दे रही हो? अरे इतना वाक्य दे रहे हैं क्यों, सब उपनिषद में ये के तात्पर्य वो दिखाने के लिए, गति सामान्य को दिखाने के लिए मात्र, यहां पर दूसरा कोई प्रवृत्ति नहीं है इसको दिखाने के लिए। तो मगर अच्छा, अरे पहले भी बता दिया मुखादि लिंग से जो है उसको समझ लेना, इसको समझ में नहीं आया है तो बता दिया पहले जो है, पहले इसको जो लेके आना था। क्रम देखिए, वो आपको उपलक्ष्य जो है बताना है तो मुझे समझाना है आपको, है ना, तब क्या करेंगे, पहले जो विषय समझाना है उसको समझाने के बाद जो है आप कहेंगे ये सब जो है बाकी उपनिषद में है, वही तो करना चाहिए, नहीं बाद में कह रहे क्यों, पहले जो है आए हैं, आने के बाद जो है उसको कह रहे हैं यह साक्षात अप्रो अयम आत्मा ब्रह्मा, यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्मा, योशनाया पिपासे नेति नेति। तो एक एक में जो है इसका जो उत्साह जो है हतोत्साह हो रहा है, एक एक में प्रवृत्ति। ये गुरु का जो है विषय में बताए थे, लिंगादि से जो है ग्रहण करके इसको अभी समझ में नहीं आया है ना, ये सब बोलने के बाद इसको समझ में नहीं आया क्या बता रहा हूं बोल के, तो चलो इसको समझा देंगे बोल के वाक्य लेके आ रहे हैं, या ब्रह्म विद्याप्नोति परम या सत्यम ज्ञानम अनंतम, तब लेके आ रहे हैं आनंदम ब्रह्म मतलब विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहने के बाद भी जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये कुछ काम का नहीं है, इसको समझाना पड़ेगा, तब बता रहे हैं ये। बाकी कहीं भी देखिए कहीं पर भी आपको ये जो प्रक्रिया बिल्कुल नहीं मिलेगा। लक्षण तो सब है, ब्रह्म का लक्षण ही है, मगर प्रक्रिया सहित ब्रह्म का लक्षण यहां पर कोई भी विषय नहीं है। आप जाके देखेंगे तो यह अदृष्टि इत्यादि का जो है विचार करते हो तो वहां पर जो है सब इतना बड़ा विचार है, कहां से प्रारंभ हो रहा है, कहां से जो अंतिम हो रहा है, क्यों बता रहे है? उतना बड़ा विचार है, वहां पर ही जो है आपको आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि वाक्य जो है आया है,
हर एक में, इससे इसके काम से ये कामना नहीं है, उसके काम से वो कामना नहीं है, ये सब जो है कुछ फले नहीं पड़ने वाला है। उतना पढ़ना पड़ेगा, मतलब बृहदारण्यक का आधा आधा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बृहदारण्यक का ही वाक्य है। बृहदारण्यक को आधा के ऊपर जो है पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्यों आप जो है आपका प्रतिज्ञा वाक्य कैसा यहाँ पर सही होगा। तो इसीलिए बाकी सबको जो है एक सामान्य रूप से जो उपलक्षण उपलक्षितम ऐसा करके जो है उसको सब ऐसा दिखाया है, बोल के बता रहे हैं उपलक्षितम दिखाया है ऐसा, तो ऐसा उपलक्ष ऐसा दिखाओ बोल के जो है गुरु को उपदेश है। यहाँ पर इनको जो है दिखाना है, क्या दिखाना है, ये सृष्टि स्थिति लय का जो है आधार यही है, इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। सत्यम ज्ञान अनंतम जो है ब्रह्म है, उस ब्रह्म का स्वरूप है वो, ब्रह्म का स्वरूप मतलब वह जो है विशेषण रूप में नहीं है, विशेषण रूप से लेने से भी दोष नहीं है, क्योंकि अभाव कोई विशेषण युक्त नहीं बन सकता है। ये सब बता के उनको जो पूरा प्रक्रिया वेदांत को जो है समझा दे दी, पूरा प्रक्रिया वेदांत का प्रक्रिया जो है समझा दी है। तब आप अभी ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म, हाँ सत्यम आनंद सत्यम ज्ञानम, ज्ञान तो विज्ञान है वही है, समझ में आ गया। हाँ अच्छा, अदृष्टो दृष्टो, हाँ अणि लेने बात वही है, समझ में आ गया। अब जो भी वाक्य देखिए वो सब जो है इसमें ही वो जो प्रयोग किया वो तक होता है, इसी के आधार है, इसके भिन्न कुछ नहीं। बाकी जो भी वाक्य यहाँ पर इसके पहले जो बात बताया या या आत्मा अपाता पात्मा जो बताए थे वो भी इसमें समझ में आ जाएगा। अपाता पात्मा क्यों है, वो जो है बता दिए है अनिल, यानी उसका निलयन कोई नहीं है, और वो जो है अनात्मे अनात्मे, उसका वो कोई संबंध नहीं है, आज कोई भी विषय के साथ संबंध नहीं है। ये जो अब पाप भी क्या है, एक विषय है, उसके साथ संबंध नहीं है, एक शरीर मात्र है पाप, उस शरीर के साथ भी संबंध नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी विशेषण रूप से विशेष रूप से यहाँ पर लक्षण लेके आए हैं, उन लक्षणों को सब समझने के लिए एक हम लोग को जो है अंग्रेजी में कहते हैं व्हीकल, एक जो है गाड़ी चाहिए जिसके आधार पर आप सबको समझा सकते हैं, उस विषय ये तैत्तरीय उपनिषद ले लिए हैं। पूर्ण रूप से जो है उपनिषद है, इसलिए उसमें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं, इतना विषय में आपको समझ में आ गया ना बात क्या चल रहे हैं। तो एक जो है सत्यम ब्रह्मविद आपनोति परम से जो है उसका फल क्या है वो समझ गए, और सत्यम ज्ञान अनंतम से जो है लक्षणा क्या है वो समझ गए है, प्रयोजन समझ गए, लक्षणा समझ गए, आगे जो है उसका जो प्राप्त करने का तरीका क्या है, तस्माद वा ये तस्माद बोल के सृष्टि का प्रक्रिया, और अनात्म आनंद बोल के लय का प्रक्रिया अपवाद का प्रक्रिया वो भी सिद्ध कर दिए, और आगे जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करने का स्वरूप क्या है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसका सब आधार है, और इसको प्राप्त करने से वो जो पहला जो बताए थे वो फल मिलेगा क्या, ब्रह्मविद आपनोति परम के जो बताए थे वो फल मिलेगा क्या, तब कह रहे हैं सो अत सो भयम गतो भवति, अभय प्राप्त कर लेता है वही फल प्राप्त होगा उसको, कह के जो है स इच्छायम पुरुषेश्चा सावादित्य स एक, मतलब ऐसा कितना ब्रह्म जो है निकला है यहाँ पर, तो तय कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, जो इतना भेद दिखाई दे रहा है तो ब्रह्म तो भिन्न होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, वो जो उसमें है और इसमें है और उसमें है और इसमें है वो सब ये की है करके जो है विराम दे दी है। उपदेश का जो आधार है, वेदांत का जो आधार है, एक पैराग्राफ में हो गया है। तो अभी ये जो भी यहां पर जो समझने का विषय है वहां वहां जाके उस विषय के आधार पर समझने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं इति तत्वोपलक्ष्य सवा एष महानज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु येषो अंतर्हृदय या अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वसी शान इत्यादिना जागृतादि अवस्था धर्मैः अनन्वागतस्य असंगस्य काम अकामाभ्याम संसार मोक्षौ अनुभवतः बुद्ध
बुद्ध्यादि बुद्ध्यादि हाँ बुद्ध्यादि साक्षिनो चिदात्मनः अंतर्हृदये आकाश शब्दवाच्य जरा मरण जया जरा अजर हाँ ओ वाच्य अजर अमर अभयादि लक्षण ब्रह्म अभेद इति तत्त्वम् उपलक्षितम् इत्यर्थ फिर तत्त्वम् उपलक्षितम् तो किस प्रकार का जो है तत्त्व उपलक्षितम अजर अमर अभयादि लक्षण जो पता है वही है तो इसको जो है दोपहर में ही देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।